खड़े होकर किए जाने वाले कुछ सरल अभ्यास जो आपकी वजन को तो कम करेंगे, शरीर को स्वस्थ और सक्रिय बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं इन सरल अभ्यासों को। सबसे पहले जो करेंगे वह है ताड़ासन। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचे, ब्रीद आउट एंड कम डाउन। एक ही पॉइंट पर फोकस रखते हुए सांस भरें, सांस छोड़ें। मैं दो बार कर रही हूं, आप 3 से 4 बार करें। उसके बाद मैं आपसे बोलूंगी वृक्षासन। यहां भी एक पॉइंट पर फोकस करें और उसके बाद 15-20 सेकेंड के बाद दूसरे पांव से इसी अभ्यास को करें। इन दो अभ्यासों के बाद आप करेंगे साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग के लिए हाथ फैलाएं, पांव फैलाएं, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। मैं आपको दो दो बार करके दिखा रही हूं। आप इन सारे अभ्यासों को शुरुआत 8 से 10 बार करें, फिर वजन घटाना है तो 20 से 25 बार। इसी तरह क्रॉस बेंडिंग, ब्रीद आउट, और वैसे भी आसनों से पूर्व इनको करने से आपकी स्पाइन तो हेल्दी होती है, हेल्दी होती है, साथ ही साथ एक एक नर्वस सिस्टम में खिंचाव आके वो स्वस्थ और सक्रिय। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। मैं दो दो बार करके बता रही हूं, आप अधिक बार करेंगे। वजन कम करना है तो 20 से 25 बार कम से कम। ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस भरे छोड़े, ऊपर जाते हुए एल्बो को सीधा खींचे। इसको करने के बाद फिर शोल्डर रोटेशन जरूर करें। कंधे आपके पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय रहेंगे, फ्रोजन शोल्डर से बचेंगे। सीधा और उल्टा 8 से 10 बार। ऐसा करने के बाद स्पाइन की मरोड़ यानी रीढ़ की मरोड़, ब्रीद आउट ब्रीद इन, सांस छोड़े सांस छोड़े सांस, पीछे जाते हुए ब्रीद आउट, सामने आते हुए ब्रीद इन। इसको कम से कम 10 से 15 बार करें। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्पाइन पूरी तरह से पीठ लाइट वेट फील होगी आपको। इन आसनों के बाद, अभ्यासों के बाद, अब हम कुछ आसन और करेंगे जो हमारे वजन को कम करेंगे। वजन को कम करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी तिर्यक ताड़ासन। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए ब्रीद आउट, खिंचाव को महसूस करें, लंबी गहरी सांस, आंखें बंद, सांस भरते हुए सीधे ब्रीद आउट, ब्रीद इन। पूरा खिंचाव यहां पर आ रहा है। इसी के बाद एक अभ्यास में बोलूंगी वीरभद्रासन। ये भी आपके फैट को बहुत अच्छी तरह कम करता है। सांस भरते हुए ब्रीद इन, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। आप देखेंगे पूरे शरीर पर इसका खिंचाव है। ब्रीद आउट। अब अपोजिट साइड से सांस भरे। मैं एक एक बार कर रही हूं, आप कम से कम इन अभ्यासों को, ये वाला अभ्यास 5-5 बार करें। पूरे शरीर में खिंचाव आएगा, वजन निश्चित रूप से कम होगा और शरीर स्वस्थ बनेगा, आपके फेफड़े सक्रिय रहेंगे। अब मैं आपको एक कपाल शुद्धि क्रिया का अभ्यास बता रही हूं, जिसका अभ्यास आप कहीं बाहर से आते हैं उसके बाद जरूर करें।
आप सब तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचेंगे। यहाँ पर मुट्ठी रखेंगे कपाल शुद्धि क्रिया के लिए, सिर्फ एक्सहेलेशन करना है। इस अभ्यास को 25-25 के 4 राउंड करिए। शुरुआत में बेशक आप 25-25 के 2 राउंड करें, या फिर 50 सुबह कर लें, 50 शाम को कर लें, कैसे भी कर लें, इसका लाभ आपको बिल्कुल मिलेगा। और ऐसा ही एक अभ्यास मैं आपको और बता रही हूँ, अग्निसार क्रिया, जो आपके पेट के फैट को तो कम करेगी, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगी, और इसके अलावा आपको डायबिटीज से बचाएगी, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, गैस संबंधी सभी शिकायतों से बचाएगी। अग्निसार क्रिया के लिए दोनों पैरों को थोड़ा फैला दें और थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाए, हल्का सा बैंड होने के बाद, ब्रीद आउट करने के बाद सांस नहीं लेना है, सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। जब सांस लेने का मन हो कि अब मुझे ज़्यादा नहीं कर सकते, सांस लेना ही है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, उसके बाद इसको नहीं करना, सांस भरे फिर रिलैक्स होकर दोबारा शुरू करें। यानी इसका अभ्यास सुबह खाली पेट, शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं, वजन भी कम करेगा, जितने रोग मैंने बोले, डायबिटीज़, गैस, एसिडिटी, कब्ज, सबसे बचाएगा। और पेट का फैट तो कम करता है, क्योंकि पेट का मूवमेंट है लगातार। तो मैं आज आपको ज़्यादा अभ्यास नहीं बता रही हूँ, ये थोड़े से अभ्यास अगर आप रोज करेंगे तो आप बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे, रोगों से बचे रहेंगे, शरीर स्वस्थ और सक्रिय बनेगा। बस इतना ही हो तो हम रोग मुक्त तो रह सकते हैं ना, ज़्यादा करने की नहीं होती तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और अभ्यास बताऊंगी कि जिनको करके आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम हेल्दी होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर विराम दे रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।